नमस्ते किसान भाइयों, सुप्रभात। मैं हूं आपका दोस्त महावीर प्रसाद मीणा, अपने गेहूं के फार्म से। जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये हमारी गेहूं की फसल है और ठंड का कहर जारी है, धुंध छाई हुई है। ऐसे में गेहूं की फसल को ठंड से बचाने के लिए किसान भाइयों को कृषि विभाग द्वारा या अपने जो कृषि पर्यवेक्षक होते हैं उनके द्वारा जो समय समय पर उपाय बताए जाते हैं वो करते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो समय है गेहूं में बाली निकलने का है। हमारे यहाँ पर डांगी बोलते हैं इसको, पोटों में आ रही है जैसा कि आपको दिख रहा है। तो इस समय सबसे अच्छी बात है कि गेहूं में नमी बनी रहे, पानी देते रहें और खेत की मेड़ के चारों तरफ जो है हम धुआं करें। सबसे अच्छा तो यही है कि निरंतर हम पानी की कमी ना आने दें, खेत में नमी बनी रहनी चाहिए समय समय पर। पानी से क्या होता है कि ज़मीन का जो टेम्परेचर होता है वो अनुकूल रहता है पौधे के, और अगर पानी नहीं देंगे तो ज़मीन ज़्यादा ठंडी होगी, क्योंकि पानी से जो गर्मी पैदा होती है अंदर और पौधे को पोषक तत्व मिलते हैं। लेकिन जब ऐसे धूप नहीं निकलती है और कोहरा छाया रहता है उस समय पौधा जो है अपना भोजन बनाने में सक्षम नहीं होता है। उस समय कुछ मात्रा में कुछ खाद भी अपन इसमें डाल सकते हैं जिससे कि पौधे को भोजन बनाने में थोड़ी सहायता मिले। तो खुश रहिए, अपने खेतों का किसानी का ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और समय समय पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में देते रहे कि हम आप लोगों को माय विलेज माय लाइफ में जो जानकारी दे रहे हैं वो कैसी लग रही है। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी अच्छी जानकारियां आप तक पहुंचा सके। आप भी अपनी राय हमें बता सकते हैं। आज बहुत ही कोहरा छाया हुआ है इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैंने सोचा कि भाई जब गेहूं के खेत में आए हैं तो आप तक जानकारी ज़रूर पहुँचाई जाए। और ज़्यादातर हमारे जो गेहूं हैं उनमें मैं कोशिश करता हूं कि कम से कम रासायनिक खादों का प्रयोग करें। इस खेत के अंदर देसी खाद का ही ज़्यादा प्रयोग किया गया है कुछ मात्रा में। जैसे दो बार अभी तक एक यूरिया बैग को ही हमने यूज किया है, हल्का हल्का छाँटते ताकि थोड़ी गुणवत्ता बनी रहे, हमें शुद्ध गेहूँ खाने के लिए मिले। ये वाला खेत हमारे घर के खाने के लिए ही रखा हुआ है। तो आप भी ध्यान रखिए, खुशहाल रहे। जय हिंद, जय भारत।